Kitchen. Welcome back to our channel, The Siblings Kitchen. Today again I came up with a very wonderful and interesting recipe. So if you would like the recipe, do give the thumbs up to the recipe. And if you are not yet subscribed to my channel, do subscribe to the channel and press the bell button for more such innovative recipes. And also give your feedback in the comment section below. So let's take a look over the recipe. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बनाना बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी उत्पम। तो फ्रेंड्स उसके लिए जो चावल हमारे बच जाते हैं ना कई बार तो वो हम ले लेंगे। तो मैंने एक कप चावल लिया है तो इसका रेशियो में एकदम फिक्स करना है फ्रेंड्स। अगर आपने वन कप चावल लिया है तो आपको उसके अंदर सूजी लेनी है आधा कप और 1/4 कप आपको लेना है दही। दही का रेशियो एकदम फिक्स कर लीजिए, यही होना चाहिए तभी आपके उत्पम अच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से आप रेशियो हमेशा ले लें। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने लिया है 1 कप लेफ्ट ओवर राइस, उसमें मैंने ऐड किया है 1/2 कप सूजी। सूजी बारीक है जैसी भी हो आप साथ में ग्राइंड कर लीजिए, एकदम बारीक ही होनी चाहिए सूजी। तो हम तीनों को दही को सूजी को और राइस को एक साथ मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। इससे आपको उत्पम कभी भी बिगड़ेगा नहीं, बहुत अच्छे से होगा, इसलिए हमें साथ में ही तीनों को ग्राइंड कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये चावल मैंने ले लिया है 1 कप, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप सूजी। रेशियो का फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान रखें आपको किस रेशियो में लेना है। साथ में ऐड कर लेंगे 1/4 कप दही। इन तीनों को अगर आप साथ करके और फिर उसके बाद ग्राइंड करेंगे तो आपको उत्पम कभी भी बिगड़ेगा नहीं, बहुत अच्छा एकदम सही कंसिस्टेंसी बन जाती है और सूजी भी एकदम बारीक पिस जाती है। तो अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं और एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ग्राइंड कर लिया है मैंने। तो फ्रेंड्स ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया, इसी कंसिस्टेंसी में हमको चाहिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, तो इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी सी और टेस्टी सी रेसिपी बनके रेडी होती है और इंस्टेंटली आप इसे बना सकते हैं, आपके लेफ्ट ओवर राइस भी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने तीनों को मिक्स कर लिया है, इसे ग्राइंड कर लिया। अब 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट और इसको ढक के हम रख देंगे कम से कम 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक, ताकि अच्छे से सूजी जो है वो फूल जाए। अब जब तक इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम। जितना ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा, जितनी सब्जी आप ऐड करेंगे उतना ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर लिया है ये चीज़, ये बिल्कुल ऑप्शनल है बट मैं चीज़ ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मैंने चॉप्ड कैरेट्स लिए हैं, चॉप्ड कैप्सिकम्स, चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस, चॉप्ड कैबेज, चॉप्ड अनियंस एंड चॉप्ड टमाटोज। तो ये सब मैंने 1/2 कप लिया है। देन सॉल्ट, उसके बाद थोड़ा सा ये सीजनिंग है पिज्ज़ा सीजनिंग, एकदम ऑप्शनल है, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, चाट मसाला या अमचूर भी आप ऐड कर सकते हैं और देगी लाल मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस लिया है और मैंने यहाँ पर ऐड किया है पाव भाजी मसाला, इसे और फ्लेवरफुल बनाने के लिए। तो आपको और सारे मसाले इसमें ऐड नहीं करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स इसमें हम ऐड कर लेते हैं फाइनली चॉप्ड कैबेज, पत्ता गोभी, साथ में ऐड कर लेंगे अनियंस, देन कैरेट्स फाइनली चॉप्ड। ये सारी सब्जियाँ मैंने 1/4 कप के अराउंड ली हैं। फाइनली चॉप टमाटोज, जो आप चाहें कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंग अनियंस, एनीथिंग यू वांट, जो भी आपको सब्जियाँ अच्छी लगती है आप वो सब ऐड कर सकते हैं। देन कैप्सिकम्स 1/4 कप। अब सीजनिंग ऐड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे हम चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिज्ज़ा सीजनिंग, 1 टीस्पून चाट मसाला एंड 1 टीस्पून सांभर मसाला। फ्रेंड्स सांभर मसाला ऐड करने से इसमें अच्छा साउथ इंडियन फ्लेवर आएगा। साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाव भाजी मसाला, वो भी इसमें मैंने ऐड किया है, और एक नींबू का रस, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, इससे थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आएगा। अब इन सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे हम। फ्रेंड्स इसमें गार्लिक दाना भूल गई थी, मैं गार्लिक भी ऐड कर लिए, बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप ऐड करें। मैंने फाइनली चॉप गार्लिक भी इसमें ऐड कर लिया है। अब ये फिलिंग एकदम रेडी है और अब आधा घंटा हो गया है, हमारा सूजी भी फूल के एकदम रेडी हो गई होगी। तो ये देखिए 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर ये अच्छे से सूजी हमारी तैयार है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ये मीठा सोडा होता है ना फ्रेंड्स, 1/2 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे, इससे बहुत ही फ्लफ़ी से बन के हमारे रेडी होंगे ये सारे उत्पम। तो ये ऐड कर लेंगे, पैन मेरा एकदम गरम हो गया है, थोड़ा सा हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे पहले। आप इसे नॉन स्टिक में ही बनाएं फ्रेंड, तभी अच्छे से उतर पाएगा। ये देखिए गरम हो चुका है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मेरा बैटर। तो हमने जो सूजी का और चावल का जो बैटर बनाया था वो मैं ऐड करूंगी। तो इस तरीके से मैं, हमें इसे छोटा छोटा ही बनाना है, आप इसे ज़्यादा बड़ा ना बनाएं। तो मैंने सिर्फ ये 1 चम्मच भर के ऐड करा है बैटर, ऊपर से मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, फिर चीज़ ऐड करेंगे।
ये एकदम ऑप्शनल है, बट चीज़ से इसमें बहुत अच्छा चीज़ी फ्लेवर आता है, बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगती है। और ऊपर से थोड़ा सा सांभर मसाला और स्प्रिंकल करेंगे इसे साउथ इंडियन फ्लेवर देने के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है बट इससे अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे ढक देंगे, फिर इसे फ्लिप करेंगे 2 मिनट के बाद। ये देखिए चारों तरफ से पहले आप एजिस से इसे उतार लें, ये आराम से उतर पा रहा है। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे, हल्के हल्के हाथों से करना होगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये अच्छे से सिक चुका है, इस तरीके से ब्राउन कलर आ गया है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसे सेक लेंगे ढक के। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा उत्तपम बन के रेडी है। बचे हुए चावल का इतना टेस्टी नाश्ता बहुत ही झटपट से बन जाता है, फुली चीज़ी ओवरलोडेड एंड वेजीज ओवरलोडेड। तो फ्रेंड्स रेडी है ये हमारे बहुत ही झटपट से बनने वाले लेफ्ट ओवर राइट्स के उत्तपम, खाने के लिए एकदम तैयार।